इंदौर शहर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के उद्देश्य से जहां जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार शहर में अभियान चलाए हुए हैं, बावजूद इसके शहर में कोरोना वायरस मरीज में कमी नजर नहीं आ रही, जिसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह और DIG मनीष कपूरिया ने अनौपचारिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान शहर को किस तरह लॉकडाउन से बचाया जा सके, इसको लेकर चर्चा की गई। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि शहर के हित में कड़े कदम उठाए गए हैं, हालांकि और भी सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत नजर आ रही है। कलेक्टर ने साफ कर दिया कि रंगपंचमी पर निकलने वाली गैर यात्रा को स्थगित किया जा चुका है। आयोजकों को उन्होंने आगाह किया कि वो किसी भी तरह की तैयारियां शुरू ना करें। कलेक्टर ने यह भी साफ किया कि शहर में लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनी है, फिलहाल अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। अभी जो प्रयास शासन ने किए हैं, कलेक्टर साहब आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे कोविड की गाइडलाइंस के नॉर्म्स का परिपालन हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं हो, हर स्तर पे प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। एक अच्छा जो परिदृश्य सामने आया है कि शहर की लोगों ने एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दिया और बड़े पैमाने पे लोगों ने मास्क लगाने शुरू कर दिए। थोड़ा बहुत उसमें इसको कहते हैं अलर्ट करने की आवश्यकता पड़ी और उसके उपरांत हमने देखा कि आवश्यक जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन लगभग किया जा रहा है। इसके ऊपर विजय पाने का मात्र यही एक तरीका है। आप सब इससे भलीभांति वाकिफ हैं और मेरा तो अनुरोध यही है कि हम अगर उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार रखते हैं तो हम इस पे निश्चित रूप से विजय पा पाएंगे। कोई भी वैक्सीन की डिमांड आएगी तो उसको पूरी की जाएगी, क्योंकि वैक्सीन भी बहुत ज्यादा डिमांड में चल रही है पूरे देश में, क्योंकि संख्या बहुत है अपने यहाँ। किंतु गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इंदौर जो कि हॉटस्पॉट सिटी की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर करेंगे ताकि आसपास के जिलों में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। वैक्सीनेशन लोगों को होता है यहाँ पर, तो वैक्सीनेशन के संबंध में अवेयरनेस बहुत जरूरी है अस्पताल में और मास्क के संबंध में बहुत जरूरी है, जिसके लिए कि आज यहाँ पर प्रेस क्लब में अरविंद तिवारी द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। और मेरे ख्याल से सारे ब्रॉडली पॉइंट्स कवर कर दिए हैं मैंने। अगर कोई मास्क जो अपने कार्य क्षेत्र है या सार्वजनिक जगह है, इन दो जगह के लिए रहता है बॉडी है, कार्य क्षेत्र या सार्वजनिक जगह, कार के अंदर का स्पेस एग्जैक्टली दोनों कैटेगरी में नहीं आता है। और अगर वो मास्क नहीं लगाता है और दूसरे लोग नहीं बैठे हैं, अकेले बैठा है, तो दूसरे के लिए खतरा उत्पन्न नहीं कर रहा है वो। ऐसी स्थिति में मास्क के अगर कार चला रहा है कोई व्यक्ति, तो मास्क थोड़ा नीचे भी कर लेगा तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें, पर वो मतलब फिर उसके अलावा फिर दूसरा आदमी ना बैठा रहे, उसमें दूसरा आदमी बैठा रहेगा तो जरूरी है उसको करना। प्रैक्टिकल में व्यवहारिक अप्रोच बता रहा हूँ आपको।